दशमी का दिन दुर्गा माँ को तेल सिंदूर देने जा रहे हैं। चलिए हम सब रेडी हैं और ब्लॉग कर रही है आज कैमरा के पीछे है पल्लवी। हमारी बहुत दूर है, काफी दूर है। নীতিশ ধোয়া হয়েছে, নীতিশটাকে আমরা যাতে ভালোভাবে পরিপালন করতে পারি আর একটি সময়ে আমাদের কাজগুলোকে আগ বাড়িয়ে যাব। আমাদের হাতে 20 মিনিট রয়েছে, 20 মিনিটের ভিতরে আমাদের শেষ করতে হবে। और ये हो गए हमारी दशमी की तेल सिंदूर जो हम लोग लेके जाते हैं दुर्गा माँ को देने के लिए, वो हो गया। और अब जो औरतें खेलते हैं बंगाली में जो फेमस है सिंदूर खेला, वो भी हो गया। आप देख सकते हैं मेरी हालत। पल्लवी को लगा देती हूँ, बहुत साफ दिख रही है, थोड़ा भर देती हूँ। देखिए भूमि भी आ गई है और भूमि अभी मेरे भूमि के ए भगवान आखी को भूमि कह दिया। ये देखिए आखी आ गई है। तुम तो छन्नो पोछो ना, छन्नो आखी छन्नो। हम लोग सब भूमि के घर आए हैं। मेरी हालत देखकर आखी मेरे गोदी में नहीं आएगी। नीचे से दशमी के दिन अभी दुर्गा प्रतिमा माँ को ऑलरेडी गाड़ी में उठा लिया गया है, क्योंकि अभी विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। विसर्जन से पहले हमारे कॉलोनी में ऐसा होता है कि पूरे माँ को पूरे कॉलोनी में घुमाया जाता है और सब उनके पीछे पीछे घूमते हैं, आरती करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये। और देख सकते हैं आप मेरे बैलकॉनी से, मैं देख रही हूँ मेरे बैलकॉनी से सब कुछ देख सकता है। तो ये एक एडवांटेज है हमारे घर का। आखिर नाचे 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 दुर्गा माई की जो जय जय बोले दुर्गा माई की जय। ये बन रही है हमारी इवनिंग की चाय। कल बारबेक्यू नेशन से आया हुआ ये केक, इसे भी हम अभी खा लेंगे। इट वाज सो यमी, रियली बहुत टेस्टी था। ये हो गई चाय, ये कल का केक, बाकी मिठाई लाने बाद में राजेश जाएंगे, राजेश्वर बाबा। और दशमी के लिए अभी भूमि चाची चाची आए हुए, क्योंकि हमारे दशमी में एल्डर्स का पैर छू के हम आशीर्वाद लेते हैं। और जो सेम एज के होते हैं, फ्रेंड्स में सर्कल में होते हैं, दे हग एंड दे विश ईच अदर। तो हमारे फैमिली में भी ये होता है, क्योंकि पापा बाबा भी घर में सबसे बड़े हैं, तो सब लोग आके प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। हम भी जाएंगे, शायद कल जाएंगे, सब सबके घर में जाकर सब जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते। सभी वो लोग आए हैं, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुंह मीठा। इनकी प्रिपरेशन मशरूम प्योर वेज तरीके से, क्योंकि फ्राइडे को हम पूरा वेज खाते हैं। और दोपहर को एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, सिर्फ दाल
ब्रिंजल फ्राई एंड मिक्स वेज, यही था। तो अभी थोड़ा मशरूम कर रहे क्योंकि सबको थोड़ा लाइट खाना है आज, क्योंकि पूजा के कुछ दिन बहुत खाना वाना खाया हमने। पहले इसको फ्राई कर रहे हो, उसके बाद? हाँ, फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद ऑफ कोर्स करी होगी। वाओ, आई एम एक्साइटेड। या, और ये सब कुछ पल्लवी के लिए स्पेशल हो रहा है एक्चुअली। मैं ऐसे खाने में कभी कभी शुगर दे देती हूँ पहले ही, तेल में ही शुगर। अच्छा, ऐसे में कभी वो कैरमलाइज होके कलर बहुत अच्छा आता है। सो इसे होने देते हैं, फिर इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, चौका लगाने के लिए जो लगता है, खड़े मसाले। खड़े मसाले ये फाइनली मेरी मशरूम करी बनके रेडी है और हम सब रेडी है डिनर के लिए।